हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो हम देखेंगे कि कल एक्सपायरी के दिन क्या मूव आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, और बैंक निफ्टी की ऑलरेडी आज एक्सपायरी हो गई तो उसका भी हम मूव देख लेते हैं किस हिसाब से आज मूवमेंट हुई मार्केट में और हमें क्या करना चाहिए था। सो निफ्टी की अगर कैंडल की बात करें तो ये डेली चार्ट है और एक रेड कैंडल बनी है। हालांकि ये रेड कैंडल जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं है क्योंकि नीचे विक भी है, तो देखा जाए तो ये हैमर भी नहीं है, हैमर टाइप भी है और लेकिन डोजी टाइप की कैंडल है जहाँ पर कन्फ्यूज़न है। अभी भी कन्फ्यूज़न थोड़ा सा ये है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए, तो एक अच्छे एरिया पर डोजी बनी है क्योंकि कल के दिन अगर ये हाई निकल जाता है तो ये इनसाइड टाइप की भी कैंडल है क्योंकि कल के प्राइस रेंज के ऑलमोस्ट बीच में ही ट्रेड हुआ है। तो कल जो प्राइस रेंज थी आज उसके अंदर ही मार्केट ने पूरा टाइम ट्रेडिंग किया है। एक मॉर्निंग में ब्रेकआउट जैसा आया था, इसमें मैं भी ट्रैप हुआ और मैंने भी समय पे एग्जिट कर लिया और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़े से छोटे से रिस्क में मैंने एग्जिट कर लिया और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड किया नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं फिबोनाची को यूज़ करके आपको एक ट्रेंड बता देता हूँ कि जब बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले 0.786 ये लेवल था जिसको मार्केट ने सपोर्ट लेके निकाल दिया। 0.618 ये 22,222 एक अच्छा फिगर था, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर आ गया और आज भी कहीं ना कहीं वो लेवल को मार्केट ने टच करने की कोशिश की। अगर आज का आप लो देखेंगे जो यहाँ पर दिखता है वो है 22,211। तो ये जो नंबर सीक्वेंस है ना उसको काफ़ी फॉलो किया जा रहा है। हालांकि मुझे लग रहा था 22,222 से एक बाउंस आना चाहिए, थोड़ा बहुत बाउंस आया भी, लेकिन अभी के लिए कल के लिए मार्केट को ये 22,350 का लेवल को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मार्क कर दी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर मार्क कर दूंगा 22,477। तो ये दो लेवल्स कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और अगर हम माने कि ये चलो डाउन ट्रेंड की शुरुआत है तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, तो फिबोनाची के हिसाब से जो एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर बन रहा है 0.5 का, वो बन रहा है 22,394। तो मोटा मोटी हम पकड़ के चलेंगे 22,500 के आसपास। तो ये 500 का जो लेवल है, सबसे पहले एक लेवल होगा 400 और एक होगा 500। तो ये दोनों ही जो राउंड नंबर के लेवल से ये कल दोनों काम करेंगे रेजिस्टेंस का। तो कल के दिन में अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुल जाती है तो ये दोनों बहुत ही रेजिस्टेंस का काम करेंगे और अभी के लिए सपोर्ट जो बुल्स होंगे उनका जो स्टॉप लॉस होगा ये ग्रीन कैंडल के नीचे होगा। तो यहाँ पर एक रे मार्क कर लेते हैं जिसका प्राइस है 22,160। तो ये हमें डेली के लेवल्स मिले हैं। अभी हम 1 आवर के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या हुआ। तो जब 1 आवर के चार्ट में हम मार्केट को देखते हैं तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पहली कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया था वही रेड कैंडल बन गई, उसके बाद एक ग्रीन बनी, रेड रेड ग्रीन, लेकिन पूरे दिन मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट ये फर्स्ट कैंडल के बीच में ही ट्रेड करता रहा। ब्रेकडाउन भी एक बार दिया, वहां पर भी लोग ट्रैप हो गए। हालांकि मैंने एक ही ट्रेड किया क्योंकि मैं दिन में एक ही ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ। हार्डली कभी ऐसा दिन होगा जब मैं दो ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक ट्रेड करता हूँ, सही हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो एग्जिट खत्म। मेरी पोजिशनल ट्रेड रहते हैं उसके लिए मैं वेट करता हूँ क्योंकि उसमें मैं पोजिशनली रहता हूं तो उसमें मुझे एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो फर्स्ट 1 आवर के कैंडल का जो लो था वो था 22,233, ये दैट्स इट। यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेक करने की कोशिश भी की लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और यहां पर मैं अपना मूविंग एवरेजेस भी सारे लगा लेता हूं, 20, 50, 100, 200 और यहां पर हम लगा लेंगे मूविंग एवरेज 20। तो ये सारे EMS भी मैंने लगा दिए 15 मिनट के चार्ट में। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो जब ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ये वाली फर्स्ट कैंडल पे मैंने भरोसा नहीं किया था क्योंकि ये नीचे क्लोज हो गई थी 22,350, एकदम रेजिस्टेंस के आसपास ये कैंडल क्लोज हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो फर्स्ट कैंडल को मैंने इग्नोर किया। लेकिन सेकेंड कैंडल जो है एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी थी जिसने ब्रेकआउट भी दिया था ये लेवल का, और यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल जाए और यहाँ से एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ नहीं मार्केट 400-425 तक आए, इतनी एक्सपेक्टेशन थी। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट था, बट मार्केट ने इमीडिएटली रिवर्सल लिया और रिवर्सल लेने के बाद यही कैंडल का जैसे ही लो क्रॉस हुआ मैंने अपनी एग्जिट ले ली क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोज भी था यहाँ पर और ये जो मार्केटिंग नेगेटिव होना शुरू हुआ पॉजिटिव में से, तो मैंने एग्जिट ले ली। तो सिंपल है, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक बार नीचे गया, ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, रिवर्स हो गया, वापस एक बार यहाँ पर ब्रेकडाउन की कोशिश की, रिवर्स हो गया, वापस एक बार यहाँ पर सपोर्ट पे हैमर बनी, सपोर्ट पे।
तो एक बार आप देख लीजिए कि मूविंग एवरेज पे भी क्या हुआ, ये 200 मूविंग एवरेज को मार्केट ने कल तो ब्रेक नहीं कर पाया था अच्छे से, तो कल तो यहाँ पर कोई सेटअप बन ही नहीं रहा था। एक बार ऐसा पीछे जाके देख लेते हैं, तो देखिए कल तो यहाँ पर एक बार ब्रेक कर भी दिया था हाँ, लेकिन कल भी जो है यहाँ से रिवर्सल आ गया था मार्केट में। तो आज जो है ना, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में एक अच्छा मूव आना चाहिए, बट वो भी नहीं आया। एनी वे देखिए, मार्केट में एक फैक्ट को हमेशा हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वी कैन नॉट ऑलवेज बी राइट राइट। सो मार्केट अपना काम करता रहेगा, हम सही भी होंगे, गलत भी होंगे और ज़्यादा गलत भी होंगे, बट मेन क्रक्स इज व्हेन वी एग्जिट। तो जैसे ही यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, मैंने यहाँ पर एग्जिट ले ली। उसके बाद वापस एक बार 200 मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लिया, वापस एक बार रेजिस्टेंस लिया, और नीचे जो है हमारी ये मूविंग एवरेज, क्योंकि ये जो येलो लाइन है वो 20 है, ग्रीन जो है वो 50 है और ये 100 है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है ना, 100 और 50 जो है यहाँ पे और ऊपर 200, ये दोनों जोन के बीच में फंसा है। तो कल कहीं ना कहीं एक तो ब्रेकआउट होना ही होना है, तो अब ये देखना है कि कहाँ पर होना है। तो नीचे की साइड हो जाएगा तो 200 जो है वो स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होती है, लेकिन ऊपर की साइड हो जाए तो मार्केट के लिए एक अच्छा सिनेरियो बनेगा। तो कल के दिन में ये देख लेते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए कल के दिन में मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, लेट से फ्लैट, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा एक रेजिस्टेंस, और ये दो रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा अप एटलीस्ट। और अगर अप नहीं जाता है या मार्केट लेट से गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो वापस से एक बार इसको देखना होगा कि ये रेजिस्टेंस को आज की तरह फिर से फेस नहीं कर ले, क्योंकि कल एक बार ये रेजिस्टेंस हो गया, दो बार हो गया, तो ये 360 और 70 का है। अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट कल फेस कर लेता है वापस से, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे की ओर भी आ जाए। तो किस हिसाब से हो सकता है, अगर ये वापस से कल के दिन में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता है मार्केट, तो वापस से चांसेस आर हाई कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ले और मार्केट वापस से थोड़ा सा नेगेटिव की ओर और ये लेवल तक आ जाए। और गैप डाउन अगर कल खुलता है, तो मुझे दो सपोर्ट यहाँ पर मेरे पास है। तो एक तो जो है वो कल का लो है, और दूसरा यहाँ पर ये जो हैमर बनी हुई है, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर जोन बना लेंगे कि ये जोन जो है ना एक सपोर्ट जोन होगा, जहाँ पर डिमांड जोन पे इसको बोल सकते हैं। ये कैंडल का लो और ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया और इसको लंबा खींच दिया। तो ये जो है ना 22,000, हालांकि इतना डाउन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट को, लग नहीं रहा है, लग पॉजिटिविटी रही है, और ऐसा लग रहा है कि आज के हाई का ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, बट उसके लिए फ्लैट खुलना ज़रूरी है, क्योंकि गैप अप हो रहा है ना तो लोग यहाँ से शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक सीनारियो ख़राब हो रहा है। और लेट से गैप डाउन होता है, तो फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि एक दो बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर ही जाए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कल के दिन में थोड़ी सी बुलिश की ओर ज़्यादा है। सो लेट्स सी, कल हमारा एक नया पोजिशनल ट्रेड भी हम ओपन करेंगे, उसके बारे में भी मैं कल आपको अपडेट करूंगा जब हम उसको ओपन करेंगे। तो ये दोनों जो मूविंग एवरेज है, अगर ये दोनों मूविंग एवरेज से मार्केट निकल जाता है, और जिस तरीके से अभी ये डाउन सिंक में मूविंग एवरेज चल रही थी, 20 ऊपर, 50 ऊपर, 100 ऊपर, 200, इस तरीके से अपसाइड में अगर मोमेंटम एक हो जाएगा ना, तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाएगा और मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर जाना शुरू कर देगा। तो निफ्टी में कल मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सेलर के लिए जो स्टैंडर्ड एरिया है वो 22,400 के ऊपर के कॉल्स होंगे, और 22,250 के नीचे के जो भी पुट्स होंगे, ये जो है वो थोड़े एक्टिव रहेंगे, और ये पुट को हमको सेल करके अच्छे से एक ट्रायंगल वेंगल बना के यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर कौन भी हो, फ्यूचर ट्रेडर जो रिस्क मैनेज करता है, अल्टीमेटली वही पैसा बना लेता है, और जो डिसिप्लिन से ट्रेड करता है, कितना भी अच्छा आता हो कितना भी अच्छा नहीं आता हो, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आया। तो बैंक निफ्टी भी देखिए आज ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का ही रहा, कोई खास मोमेंटम आया नहीं बैंक निफ्टी में भी, और एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आया और जो भी प्रीमियम्स थे वो जीरो हो गए, और ऑप्शन सेलर को आज मजा आ गया होगा। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उसको भी हम वापस से थोड़ा मार्क कर लेते हैं। मूविंग एवरेज पहले मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मूविंग एवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो डेली चार्ट में एक रेड कैंडल बनी हुई है ऑलरेडी, और ये जो है ये भी ऑलमोस्ट इनसाइड ऑफ प्रीवियस डे थोड़ा सा मार्केट ने ट्रेड किया है। एक बार ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी अच्छे से आया नहीं। तो वापस यहाँ पर फिबोनाची का एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से लेवल आते हैं, हालांकि कल एक बार लेवल ड्रॉ किए थे। तो सबसे पहला सपोर्ट आता है 0.786, जो कि है 47,320। दूसरा जो सपोर्ट मार्केट में है वो है 0.618, ये जो सपोर्ट है वो है 47,878 राइट। तो 47,878 पे ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक मैं लेवल मार्क कर देता हूँ।
कल के दिन में ये सपोर्ट का अच्छा खासा काम करेगा और फिर 0.5 का जो लेवल है निफ्टी ने निकाल दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी निकला नहीं है। तो 48,300 का जो लेवल है ये कैंडल का जो हाई है ना वो निकलना चाहिए। एक बार ये कैंडल का हाई निकलेगा ना फिर मार्केट में एक तेजी बनेगी और मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है। अभी हम देख लेते हैं कि 1 आवर चार्ट में क्या मूव हुआ। सबसे पहले चले जाते हैं 1 आवर के चार्ट में, और 1 आवर के चार्ट में भी ऐसा ही है जैसे हमने डिस्कस किया कि एकदम साइडवेज फर्स्ट कैंडल थी रेड बनी और उसके बाद सब वही एरिया में एक छोटा सा रेंज 47,980। और यहाँ पर तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही था कि 48,000 के आसपास एक्सपायरी आनी चाहिए, ऑलमोस्ट ठीक है 100 पॉइंट नीचे, क्योंकि राउंड फिगर के आसपास एक्सपायरी आती है तो ऑप्शन सेलर को बहुत फायदा होता है। और 48,000 जो ऐसे राउंड फिगर होते हैं ना जहाँ पर कॉल पुट सब शॉर्ट होता है, करोड़ों रुपए लगे होते हैं और वहाँ पर सब जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो आज मार्केट ने काफ़ी प्रीमियम्स को जीरो किए होंगे। तो अभी चले जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट में भी क्या हुआ ना कि एक ब्रेकडाउन आने की कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लेवल पे आसपास खुला एक डोजी कैंडल बनी फर्स्ट 15 मिनट की, इसका हाई और इसका लो अगर मार्क करेंगे तो लो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट आया और ये जो सपोर्ट था 47,878 का यहाँ से भी मार्केट नीचे आया, बट अल्टीमेटली मार्केट ऊपर आ गया और ये जो प्रीमियम्स थे यहाँ पर ये सारे के सारे प्रीमियम्स जीरो हो गए। तो अभी कल के दिन में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, पहले मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। अभी 50, 100, 200 लगाया और ये 20 मूविंग एवरेज। तो देखिए कहीं ना कहीं जो ऐसा एक बार जब पीछे करके वापस आते हैं ना तो मूविंग एवरेज रिकैलकुलेट हो जाते हैं, तो आप कभी भी चार्ट ओपन करें तो ध्यान रखना। तो देखिए कल के दिन में ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना था, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी और उसके मार्केट नीचे जा रहा है। तो अभी भी देखा जाए तो 100 मूविंग एवरेज के आसपास लास्ट में मार्केट रहा, थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार 200 मूविंग एवरेज को मार्केट निकाल देगा फिर अच्छा मूव आएगा। तो बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सपायरी हो गई है, तो थोड़ा बहुत ये निफ्टी को सपोर्ट कैसे करेगा वही देखना है। अगर यहीं पर कहीं पर फ्लैट ओपन हो जाता है 48,000 के आसपास तो थोड़ा ऊपर यहाँ पर 200 के आसपास वापस रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा नीचे सपोर्ट लेगा और मेरे ख्याल से वापस एक डोजी टाइप की कैंडल बना देगा जो कि एज इट इज़ जो अभी चल रही है वैसे ही कैंडल बन जाएगी। अगर गैप अप ओपन हो जाता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तो फिर देखना है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ये भी ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 48,300 का लेवल बैंक निफ्टी को निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। और डाउन साइड में ऑलरेडी यहाँ पर भी सपोर्ट है 47,500 का, तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर हम बना देते हैं जो हमने निफ्टी में बनाया वैसा, तो इस तरीके का एक स्क्वायर यहाँ पर भी बना देते हैं। तो ये भी एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। अगर कहीं पे लेट से गैप डाउन हो जाता है और बहुत बड़ा गैप डाउन लेट से आज की रेंज के नीचे ही ओपन हो जाता है तो फिर ये देखना है कि ये सपोर्ट के आसपास लेके मार्केट एटलीस्ट नेगेटिव क्लोज न करे। तो कल के दिन में मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दे। तो मार्केट में अगर कल के दिन में पॉजिटिव क्लोजिंग रहती है तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो बन जाएगा बुल मार्केट के लिए और ऑल टाइम हाई के लिए। इलेक्शन रिजल्ट के लिहाज से भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि यस यहाँ पर कुछ तो अच्छा हो रहा है, इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्या होगा पता नहीं, बट कल के दिन में मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए तो मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे जाएगा और फिर ऑल टाइम हाई की ओर हम सब लोग मूव करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को कृपया लाइक करिए। आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना है, कोई मूवमेंट के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अलग से स्टॉक की एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा वीकेंड पे। कम से कम 15 से 20 स्टॉक को एनालाइज करेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिले, एक फेयर आइडिया मिले। सो अगर आपका कोई प्रीफर्ड स्टॉक है या आपको लगता है कि ये स्टॉक की एनालिसिस करनी चाहिए तो मैं जरूर से उसके बारे एनालिसिस करूंगा, तो कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।